এবার অনলাইন সমস্যা বাজার সরি তোরা সেল ভেরিয়েন্সেস কি এক্সাম্পল হয়ে গেছে? एक सेकंड के लिए पहले पेज नंबर 84 पे एक छोटे से एग्जांपल कर रहे हैं। पेज नंबर 84 पे सेल वेरिएंसेस जो कल फॉर्मूले लिखे थे उनकी तरफ फिगर्स के साथ थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो वैसे कल से रिलेटेड कोर क्वेश्चन करें रिवाइज है सारा चले सर जी दो फॉर्मूले लिखे थे सेल वेरिएंसेस इनको जरा अप्लाई कैसे करना है डेटा जरा देखना पेज नंबर 84 84 नहीं एग्जांपल वहां पेज नंबर 84 के स्टार्ट पे छोटे से एग्जांपल है पहले वो कर ले फिर क्वेश्चन कर। कंपनी हैज द फॉलोइंग बजटेड एंड एक्चुअल फिगर्स। बजटेड सेल यूनिट्स क्या है एक्चुअल सोल्ड यूनिट्स सेल प्राइस पर यूनिट 30 पे बेचने का सोचा गया था एक्चुअली प्राइस कम ज्यादा हो सकती है डिपेंड करेगा कस्टमर्स की प्रेफरेंस पर। हो सकता है आपको लग रहा हो कि ज्यादा पे बेचा जा सकता है तो आप ज्यादा पे बेच देंगे हो सकता है कंपटीशन की वजह से आपको प्राइस कम करनी पड़ जाए। देन लास्ट रिक्वायरमेंट सुपर वाइज लाइन अंडर स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मीन्स बताएं नहीं मतलब इसमें क्या क्या शामिल होता है लिखे जरा इसके साथ स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मीन्स अच्छा से कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी कह सकते हैं वो भी लिखे स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ये बस सम किस किस का होगा डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड जब वर्ड आप बोलते हैं तो उसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों तो एग्जांपल देंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड्स की फिक्स ठीक है तो एक आध वेरिएबल इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फ्यूल चार्जेस नहीं लेबर वेजेस तो अलग है लेबर वेजेस और डायरेक्ट लेबर में आ गए तो अगर इनडायरेक्ट में अगर कोई वेरी कर रही है तो वो हो सकती है। तो 28 रुपए क्या है सर एक यूनिट को बनाने की स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग को कल वाले वेरिएंसेस वाला रजिस्टर वाला पेज सामने रखा वर्किंग करवा दूंगा पेज नंबर सर सॉरी बताना मेरा कल भूल गया पेज नंबर 84 सर इस सेल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला बोलो एक दफा दोबारा लिख के सॉल्व कर लो एक दफा दोबारा वहां से देख के लिख के सॉल्व कर स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड बजटेड रेट एक यूनिट कितने पे बेचना चाहते थे एक्चुअल सेल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड और एक्चुअल प्रोडक्शन सही वर्ड नहीं है बस एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड नोने डाटा व्हाट इज स्टैंडर्ड सेल रेट पर यूनिट क्यों होना चाहिए अभी क्योंकि सोल्ड यूनिट सोल्ड फिनिश गुड्स की सेल या रॉ मटेरियल की सेल ये साथ ही वाले वर्ड्स रूल गए एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स और सोच लेना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की सारी बहस है क्या बना के बेचेंगे एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स व्हाट इज स्टैंडर्ड सेल रेट 30 व्हाट इज एक्चुअल सेल रेट 29
बट इज एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड 620 सी एन ब्रैकेट में ही है, एक रुपए का फर्क है ब्रैकेट में, मल्टीप्लाई बाय 620, व्हाट इज 620 वाइड बस एक्चुअल सेल रेट कम है व्हेन फेवरेबल, सेल प्राइस एक्चुअली ज्यादा हो रहा है तभी आपको फायदा होगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला ढूंढो, सेल वॉल्यूम वेरिएंस क्वांटिटी सोल्ड माइनस एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाई बाय ग्रॉस पर यूनिट। जी व्हाट इज बजटेड क्वांटिटी सोल्ड, 600 यूनिट्स बेचने का प्लान था। अच्छा 600 यूनिट्स बेचने का प्लान क्यों था सर, 600 यूनिट्स बेचने का प्लान क्यों था सर, इतनी यूनिट्स बिकने का चांस होगा, मतलब पीरियड के स्टार्ट पे आप खड़े हैं, आप क्या सोच रहे होंगे कितने यूनिट्स बेचे जा सकते हैं, तो जितने बेचे जा सकते हैं उतना ही आपका प्लान चाहिए, ठीक है, कितने बिक गए हैं ये कैसे हो सकता है, एक्चुअली डिमांड ज्यादा होगी आपकी एक्सपेक्टेशन से, लोग जज्बाती हो गए आपकी प्रोडक्ट्स देख के, उनका ये तो वही है जिसका हम बचपन से इंतजार कर रहे थे, अपने ऐसी ऐसी एडवर्टाइजमेंट की कि लोग नौजवान मजबूर हो गए सोचने पे, इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं, इसके बगैर तो हम दुनिया की दौड़ में पीछे रह जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय सर एक्चुअल डिमांड ज्यादा हो गई। अब ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट कैसे आएगा, आप वैसे बताएं ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा, स्टैंडर्ड सेल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ सेल, व्हाट इज द मीनिंग कॉस्ट ऑफ सेल, मैंने मीनिंग पूछा, मीनिंग जो चीजें बेची है उसकी कॉस्ट ढूंढने डर है क्या, एक यूनिट कितने का बेचने का प्लान था 30 और एक यूनिट बनाने में खर्चा कितना आना था, तो सोचा रहे ये क्या है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या यही फाइनली एक यूनिट की कॉस्ट ऑफ सेल नहीं बन जाएगी, एक यूनिट की कॉस्ट ऑफ सेल, तो कैसे करेंगे 30 माइनस 20 फिगर्स के नाम बोला, स्टैंडर्ड सेल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस पर यूनिट, प्रोडक्शन कॉस्ट प्राइस पर यूनिट, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ सेल पर यूनिट, कह सकते हैं सर, क्या मीनिंग होता है कॉस्ट ऑफ सेल, जो चीज बेची है इसकी कॉस्ट, एक यूनिट बनाने की कॉस्ट क्या है, ठीक है प्लीज कोई इशू नहीं, तो 20 बेटा डिसीजन ब्रैकेट में और मल्टीप्लाई बटू हो जाएगा इस केस में, तो y 40 इज एडवर्स Why not adverse? Actual quantity sales ज्यादा है जिसकी वजह से आपको 40 का benefit मिल रहा है, रुपीज में 40 का benefit। Confusion तो नहीं please? तो एक formula से बस आपने apply करना सीखा। जो online students को confusion? Page 148 पे आप आ रहे हो। एक comprehensive search question। पेज 148 जंप से लगा क्वेश्चन बाय द नेम ऑफ एबीसी के ऊपर भी लिखा हुआ, एक्सीलेंट ये चला, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पेज नंबर 148 क्वेश्चन नंबर 6 एबीसी थोड़ा बाद में लिख लीजिएगा, बिस्तर ना कर लीजिएगा, साथ साथ आया करें, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आ रही, मुझे भी नहीं आ रही, उन्हें भी नहीं आ रही मेरी, हर रोज 10-10 मिनट पहले क्लास शुरू की जा रहा हूँ। सॉरी पेज नंबर मैं बताना भूल गया, पेज नंबर 148 कुछ ज्यादा बुढ़ापा आ गया मेरे, 148 पे बड़ा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, पेज पे जरा इसकी रिक्वायरमेंट होगी, एक रिकंसाइल करना है बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट,
For any working budgeted profit, actual profit difference क्यों होगा? अगर कोई वेरिएंस ना हो, हमने कुछ और सोचा होगा। अगर कोई वेरिएंस ना हो तो जो सोचा है वो एक होगा जो वेरिएंस प्रॉफिट विद एक्चुअल प्रॉफिट। एक चीज अभी क्लियर कर लेते हैं यहीं पर, ये आपके जो सिलेबस में वेरिएंसेस हैं वो अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें, कल सेल भी हो गया वैसे, शुरू से सेल वेरिएंस है, फिर मटेरियल है, लेबर है, वेरिएबल है, फिक्स्ड ओवरहेड है, ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे जो एडमिन सेलिंग वगैरह होते हैं उनके वेरिएंसेस हमारे सिलेबस में। ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे अगर एडमिन सेलिंग अदर इनकम ये वेरिएंसेस हमसे रेलिवेंट नहीं है, तो मीन्स उसे हम जो प्रॉफिट लिखा हुआ ये जरा मेंशन कर लीजिएगा, ये ग्रॉस प्रॉफिट की बात हो रही है। जो कल आइडल टाइम वेरिएंस आया था वो किस में आया था? लेबर, वो लेबर के अंदर ही है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के एंगल से कॉस्ट ऑफ सेल में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ रही है, तो यहाँ जरा एग्जामिनर ये डेफिनेटली शायद एक्सप्लेन ना करे, लेकिन बजटेड प्रॉफिट मीन्स बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट मीन्स भी एक्चुअल ग्रॉस, तो अपने हाथ से लग रहा। जी सर, पिछले पेज पर एबीसी लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड मार्केट्स अ सिंगल प्रोडक्ट, द कंपनी ऑपरेट्स अ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम सिंपली मींस के पहले बजट्स बनते हैं और बाद में फिर एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करके वेरिएंस एनालिसिस किया जाता है। अगर बजट्स बनाए ना जा रहे हो तो आप डेफिनेटली एक्चुअल को कंपेयर नहीं कर सकेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम मींस बजट्स बनाए जाते हैं, कब बनाए जाते हैं? पीरियड के स्टार्ट पे। एक्चुअल रिजल्ट्स कब आ जाते हैं? तो फिर अगर एक्चुअल एक्टिविटी लेवल डिफरेंट हो जाए तो एक फ्लेक्स्ड बजट बना के कंपैरिजन किया जाता है। याद है फ्लेक्स्ड? क्या होता है फ्लेक्स्ड? ढूंढने जरा पेज नंबर 76 पे। पेज नंबर 76 के स्टार्ट पे पैराग्राफ पढ़ के वापस आ जाओ। बजट प्रिपेयर्ड ऑन एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी ऊपर पैराग्राफ में लिखा हुआ है, फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। सी अ बजट प्रिपेयर्ड एट एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन विद एक्चुअल रिजल्ट्स। आ जाओ वापस। द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड फॉर द प्रोडक्ट, underline the books, standard cost card, padhe sale price per unit, standard theek, direct material, yes sir, 2.5 kgs per unit at the rate of 50 per kg, calculator pakda do, per unit raw material cost batayenge, 50 गिवन तो है यार, 50 गिवन है यार, मैंने क्या पूछा वो क्या गिवन है? वो 50 रुपए पर केजी है, एक यूनिट को बनाने में कितने केजीज रिक्वायर्ड? आंसर आया बट इज 125 स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट। अब बेटा बस कर दे, पेज नंबर प्लीज, पेज नंबर कैसे यार, वो जरा व्हाट्सएप करिए यार पेज नंबर, कम ऑन यार बेटा, पेज नंबर 148 पे मिलना ही मिलना है। प्लीज क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 148 ये करिए व्हाट्सएप यार, अलग अलग नंबर पे करिए। डायरेक्ट लेबर 2 hours per unit, yes sir, at the rate of 100 per hour. What is 100 per hour? My unit requires 2 hours is equal to what is 200 per unit? Labor cost, standard labor cost per unit is 200. Variable overheads, full concentrate, 25 per direct labor hour,
वन यूनिट रिक्वायर्स हाउ मेनी आवर्स? यार वो तो लेबर के हैं, ब्रैकेट बनाए इसके साथ, इसे 2 मल्टीप्लाइड बाय 25 कर सकता हूँ। क्या है 2? 2 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 25 रुपीस पर आवर इज इक्वल टू 50 रुपीस पर यूनिट, वेरिएबल स्टैंडर्ड कॉस्ट 50 रुपीस पर यूनिट। ठीक है, तो जो लेबर आवर्स होते हैं उसी में प्रोवाइडेड भी इंकर हो रहा है। एनी कंफ्यूजन सर? नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, व्हाट इज 10 पर यूनिट की बंद 10 रुपए पर यूनिट, इसको जरा ब्रेक करवाएंगे अगर आवर्स में करना हो, ब्रैकेट बनाए इसके लिए, कोशिश करा। दस रुपए एक यूनिट के, एक यूनिट के, और एक यूनिट का कितना टाइम रिक्वायर्ड है, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये 2 घंटों के 10 रुपए ओवरहेड है, तो एक यूनिट के, तो क्या ये एक यूनिट के नहीं है, और एक यूनिट का टाइम कितना लगना, तो ये भी कह सकते हैं 2 घंटों में 10 रुपए फिक्स्ड ओवरहेड्स, तो 1 घंटे के फिक्स्ड ओवरहेड्स तो 20 हो जाएंगे, 2 × 5 ब्रैकेट में 2 आवर्स एट द रेट ऑफ 5 रुपीज पर आवर, व्हाट इज 5 रुपीज पर आवर, फिक्स ओवरहेड्स पर आवर, व्हाट इज 10 फिक्स ओवरहेड्स पर यूनिट, व्हाट इज 2 आवर्स पर यूनिट, 2 आवर्स रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड, देख ले आप कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। नेक्स्ट लाइन सर, कहता है कंपनी मेंटेन्स, सॉरी बजटेड प्रोडक्शन कर रहे थे, बजटेड प्रोडक्शन इज 500,000 यूनिट्स पर मंथ, एक मंथली डेटा, कितने यूनिट्स बनाना चाहते थे? अगली लाइन सर, कंपनी मेंटेन्स फिनिश गुड्स इन्वेंट्री एट 25,000 यूनिट्स थ्रू आउट द ईयर, एक मेंटेन वर्ड अंडरलाइन कर, एक बच्चे जरा नए हैं, बच्चे कुछ नए, मेंटेन्स की कोई ट्रांसलेशन चाहिए आपसे, बरकरार, लेट्स अस्सुम आपसे अगर कहा जाए कि आप पूरा साल थ्रू आउट द ईयर लिखा हो ना, अपने वॉलेट में 1,000 रुपया मेंटेन रखते हैं, जब भी आपके पैसे 1,000 रुपए तक आते हैं तो आप डैडी से कहते हैं डैडी 5,000 और दे दें, 1,000 आप मेंटेन रखना चाहते हैं एहतियातन, किसी भी दिन रास्ते में जाते रहते हैं अगर बर्गर की कोई एड नजर आ जाए, एहतियातन होना चाहिए, बरकरार रखते हैं मतलब किससे नीचे नहीं आते हैं, तो पीरियड के स्टार्ट पे क्या आपके पास 1,000 रुपया होगा? अगर आप पूरा साल बरकरार रखें तो क्या एंड में भी वही 1,000 होगा? वो 1,000 तो कम अज कम होगा, इससे बड़ा इसकी सिग्निफिकेंस ये बनती है, एक स्पेस जरा क्रिएट करें थोड़ी साइड में, एक फिनिश गुड्स का लेजर जरा बनवाओ, नहीं वो एफर्ट वन में ना रहा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रहने में कह सकते हैं आप, लेकिन मेंटेन सिंपली मतलब ट्रांसलेशन करो, लेकिन इसके क्या सिग्निफिकेंस बनेगी कि फिनिश गुड्स मेंटेन हो रही है, फिनिश गुड्स का एक लेजर बताएंगे, 3-4 चीजें इसमें मेन क्या आएंगी, ब्रॉट डाउन की और सारी को एक तो बोल दें, और कैरी डाउन तो बोल दें, ओपनिंग क्लोजिंग तो आएगा, और प्रोडक्शन आएगी इसमें, मैं यूनिट सिंगल से ना बात कर रहा हूँ, और सेल किधर आएगी, यूनिट्स और बनाने से फिनिश गुड्स बढ़ जाएंगे, और यूनिट्स बेचने से फिनिश गुड्स कम हो जाएंगे, एसेट अकाउंट है, तो ब्रॉट डाउन किधर होगा, ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पे, कैरी डाउन डेबिट साइड पे क्या होगा, फिनिश गुड्स कब बढ़ेंगी, बनने से प्रोडक्शन से, जी वर्क इन प्रोसेस रेफरेंस के तौर पे अगर आप सही, ठीक है, ब्रॉट डाउन में प्रोडक्शन ऐड हो जाएगी,
और क्या लेस हो जाएगा कॉस्ट, वो अमाउंट्स की बात करें आप, ठीक है अमाउंट्स, कॉस्ट ऑफ सेल, अगर अमाउंट्स के एंगल से सोचे ना तो प्रोडक्शन जो हमें लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, आप इसमें करें जरा प्रोसेस कॉस्टिंग में जाए, प्रोसेस कॉस्टिंग के स्टार्ट अगर है किसी के पास रजिस्टर में, प्रोसेस कॉस्टिंग का जब स्टार्ट हुआ था कुछ लेजर्स बनाए थे, मैं कल रिवाइज कर लूँ, काफी पुरानी बात है सर, आपने बोर्ड से देख के बहुत कुछ लिखा है, सोचा भी नहीं है लिखते हुए, बहुत कुछ लिख लिया, प्रोसेस कॉस्टिंग का स्टार्ट होने से पहले फैक्ट्री उसमें जरा लेजर्स होने पांच, सो द फिनिश मिल गया, ब्रॉट डाउन फिनिश गुड्स जीरो तो नहीं हमारा स्टार्टिंग जीरो जो स्टार्टिंग है, ब्रॉट डाउन हमेशा जीरो होगा, क्या ऐड हुआ इसमें, वर्क इन प्रोसेस का रेफरेंस ढूंढने की स्लाइड वहां इस अमाउंट का अपने नाम भी लिखा होगा, इस अमाउंट में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, तो रेफरेंस ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी ठीक है, लेकिन ये हुआ क्या है, बना क्या है, फिनिश गुड्स यूनिट्स प्रोडक्शन क्या है, ये अपने साथ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की अमाउंट साथ लाए होंगे, ठीक है, और क्रेडिट साइड पे क्या लिखा हुआ, कॉस्ट ऑफ सेल लिखा हुआ, लेकिन ये कॉस्ट ऑफ सेल मीन जो यूनिट्स बेचे उनकी कॉस्ट है, तो अगर यूनिट्स एंगल से सोचें तो क्या सोल्ड यूनिट्स हैं, ठीक है, तो दोबारा जरा लॉजिकली सोच लें, ब्रॉट डाउन यूनिट्स थे, फिर इंक्रीज कैसे हो सकते हैं, बना के सेल कब कम हो, कब कब होंगे, कम कब होंगे जब सेल होंगे, फिर लॉसेस भी हो सकते हैं अगर इन्फॉर्मेशन हो तो, और फिर एंड में पॉसिबल है कि कोई यूनिट्स बन तो गए हैं लेकिन बच जाए, ठीक है, अगर यूनिट्स एंगल से सोचा जाए, तब आएंगे वापस, तो वर्ड यूज करता है कि कंपनी जो है स्टॉक मेंटेन करती है 25,000 यूनिट्स पे, तो मेंटेन का बड़ा मीनिंग हो जाएगा कि ब्रॉट डाउन भी 25 है और क्रेडिट डाउन भी 25 है, मेंटेन, बात समझ आती है, एक मिनट पहले देख लें, तो इसकी फिर सिग्निफिकेंस ये होगी, अब लेजर जरा देखें, अगर आप स्टॉक का लेवल मेंटेन रखते हैं 25,000 पे, इसका मतलब ये है कि जितने बनेंगे वही बिकेंगे, क्या किसके बराबर हो जाएगा अगर ओपनिंग क्लोजिंग सेम है, सर बोल दिया करें यार, क्या ये हो सकता है कि इसमें डिफरेंस हो, प्रोडक्शन और हो, सेल हो, पता कि यूनिट्स बना के रखनी है आपने, लेकिन अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स की क्वांटिटी सेम है तो इसका मतलब जितने आपने यूनिट्स बनाए होंगे फिर उतने ही बेचे होंगे, इट्स सिग्निफिकेंस इस लाइन के लिए है कि प्रोडक्शन विल बी इक्वल टू सेल, तभी ये जरा एक्सप्लेन करना अपने पास, इधर ही कहीं गिरेगा जहाँ लाइन आई है, ऊपर भी जगह है साइड पर, ये साथ क्या करें, प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ सेल, इधर कॉस्ट ऑफ सेल नहीं सर, इधर नहीं कॉस्ट ऑफ सेल, इधर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आएगा, उधर कॉस्ट ऑफ सेल आएगी, अगर आप रुपीस में बनाएंगे तो डेबिट साइड पे आएगी, सर ये यूनिट्स बनाने से तो यूनिट्स बढ़ेंगे और बेचने से कम होंगे, और डेबिट क्रेडिट, यूनिट्स बनेंगे तो बढ़ जाएंगे नहीं, और बेचेंगे तो आपके पास कम हो जाएंगे, फिनिश गुड्स क्रेडिट होते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, फिनिश गुड्स क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, फिनिश गुड्स डेबिट, देख लेंगे एंट्रीज बोलो, ये आप लोग कह रहे हैं बाकी, तो ये फाइनली स्टोरी की कंक्लूजन ही लिखा, लेकिन इट डजंट रियली मींस कि हमेशा ऐसे होगा, कब ऐसे होगा, हाँ डेफिनेटली अगर लॉसेस की इन्फॉर्मेशन हो तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर और कुछ नहीं है, चार मेन चीजें ध्यान में रखें, और स्टॉक्स अगर सेम है तो फिर इसका मतलब जितने यूनिट्स बने होंगे उतने ही बिके होंगे, नहीं मैं ये नहीं कह रहा जो बने होंगे वही बिके होंगे, मतलब जो है जितनी क्वांटिटी, फॉर एग्जाम्पल अगर 1,00,000 बिका
सॉरी 1 लाख बना है, तो क्या नंबर ऑफ यूनिट्स 1 लाख ही सेल हो? अब ये लेजर एज इट इज ऐसे ही बैलेंस हो सकता है, फिर इधर भी 1 लाख ही होगा। हाँ ये जरूर, ये डेफिनेटली होगा कि पहले 25 बचे होंगे, फिर इसमें से 75 बिक गए होंगे, बाकी 25 बचे होंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। वो नहीं कह रहा, जितनी क्वांटिटी बनी होगी उसकी क्वांटिटी जितनी है यूनिट्स की, उतनी ही क्वांटिटी सेल की भी आ रही होगी, चाहे यूनिट्स कोई और हो जो ऊपर वाले बिके। लॉजिकली शायद वही होगा, पहले आपने ओपनिंग बेचा है फिर प्रोडक्शन में से बेचा है, लेकिन उसका सम जो होगा वो प्रोडक्शन की क्वांटिटी के बराबर होगी। 5 लाख अगर बनाए होंगे तो 5 लाख ही क्यों सेल हुए होंगे, तो लेजर ऐसे ही बैलेंस होगा। ठीक है, देन अगली लाइन में आ रहा है, एक्चुअल रिजल्ट्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त आर एज अंडर, अंडरलाइन करना एक्चुअल। सेल के सामने क्या लिखा हुआ, कितने यूनिट्स बेचे हैं, कितने के बेचे हैं, 295 मिलियन के, थाउजेंड्स में डाटा। कितने यूनिट्स पे डायरेक्ट मटेरियल आगे आ जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल कितने थाउजेंड केजीज इस्तेमाल हुआ, कितने रुपए का इस्तेमाल हुआ है, डायरेक्ट लेबर कितने आवर्स काम हुआ, कितने मिलियन रुपीस पे कर दिए, वेरिएबल ओवरहेड्स के रुपीस 26 मिलियन, फिक्स ओवरहेड्स के रुपीस 5.1 मिलियन। आए वर्किंग शुरू कर, क्या करना हमने, नहीं रिकंसिलिएशन बना दी, पहला पेज रिकंसिलिएशन की हेडिंग लिखो, कंपनी नेम लिखो, एबीसी लिमिटेड रिकंसिलिएशन बिटवीन रिकंसिलिएशन ऑफ बजटेड प्रॉफिट विद एक्चुअल प्रॉफिट। ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, जाने दे यार, बजटेड प्रॉफिट। एंडिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, एक वर्किंग रहो, बजटेड प्रॉफिट। इस डेटा के मुताबिक प्रॉफिट सोचा क्या गया था, इसकी एक वर्किंग कर रहे हैं। एक पूरा पेज छोड़ना, काफी वेरिएंसेस बीच में आएंगे, वर्किंग वन करवा। हिम्मत करें सर, एक सफा पलटना पड़ेगा सर, कोई हेल्प करें यार, बजटेड प्रॉफिट निकालना चाह रहा हूँ, क्या करूँ, बजटेड सेल ढूंढना, सीधा नहीं, नहीं उतनी शायद डिटेल वर्किंग की जरूरत नहीं है, बाइटेड क्वांटिटी सोल्ड होना। देखिए प्रॉफिट जो है, ये प्रॉफिट जो है चीजें बनाने से होता है या बेचने से, सोचें फर्ज करें आपने 5 लाख यूनिट्स बना लिए, बेचा कोई नहीं, सेल बताएं कितनी, कॉस्ट ऑफ सेल सोच के, सोच के जीरो, कॉस्ट ऑफ सेल जीरो, कॉस्ट ऑफ सेल जीरो, कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर जाए, ओपनिंग फिनिश गुड्स हो सकती हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होगी 5 लाख की, लेकिन अगर बेचा कुछ नहीं तो सब कुछ क्लोजिंग स्टॉक में लेस होकर एसेट बन जाए। कॉस्ट ऑफ सेल कब होगी, कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल की बात कर रहा हूँ, यकीनन कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होगी जितने यूनिट्स बनाए आपने, लेकिन अगर बना के रख लिए तो वो सारा एसेट आपका लेस हो जाएगा, कहाँ लेस हो जाएगा,
क्लोजिंग स्टॉक के सामने सारा लेस होके कहाँ चला जाएगा? करंट एसेट्स में चला जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स के सामने क्यों नहीं होगा? बिकाई कुछ नहीं। कॉस्ट ऑफ सेल मींस जो यूनिट से बेचे हैं उनकी कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा? जीरो। वजह नहीं, बेचा ही नहीं, तो क्या बेचने से होता है? अच्छा, अब डेफिनेटली इसका ये मतलब ही नहीं कि बनाए है नहीं, बेच नहीं है। डेफिनेटली बनाए हैं, लेकिन बना के अगर बेचेंगे प्रॉफिट तभी होगा। अगर बना के रख लेंगे तो प्रॉफिट नहीं होगा। तो हम क्या कैलकुलेट करने लगे? बजटेड प्रॉफिट। तो बताएं कितने यूनिट्स बेचने का प्लान था? 5 लाख। और जाने नहीं, ये बनाने का प्लान था यार। प्रोडक्शन, यार प्रोडक्शन लिखा हुआ, वही सेल क्यों है? क्योंकि स्टॉक लेवल्स मेंटेन, वरना इनमें फर्क हो सकता। तो व्हाई वी आर कंसीडरिंग 5 लाख एज इट इज बजटेड सेल एज वेल? बार 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 मैं बात करूंगा, सही जेन में क्लियर होनी चाहिए। जरूरी नहीं हमेशा स्टॉक लेवल्स मेंटेन होने की वजह से हम प्रोडक्शन को, 5 लाख की बजटेड प्रोडक्शन को बजटेड सेल भी कह सकते हैं। कह सकते हैं सर? Yes, तो कितने यूनिट्स बेचने का प्लान था? 5 लाख। एक यूनिट कितने का बेचने का प्लान था? 600। अब डेफिनेटली एक वर्किंग ही हो सकती है कि हम पूरी डिटेल में वर्किंग करें। 5 लाख यूनिट्स की सेल प्राइस, 5 लाख यूनिट्स की कॉस्ट प्राइस, लेकिन शायद टाइम बचाया जा सकता है। कैसे? हम अगर बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट कैलकुलेट कर लें, अगर हम एक स्टेट वे बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट कैलकुलेट कर लें, तो शायद स्टेट वे हम प्रॉफिट तक पहुंच सकते हैं। कैसे? कैलकुलेटर पकड़ो, ये फिर लिख लेते हैं सब कुछ जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन कल याद रख, अगर कहीं शॉर्टकट पॉसिबल है तो टाइम बचाना चाहिए। व्हाट इज 600 सेल प्राइस पर यूनिट माइनस 125? ऐसे सर 125 माइनस होना चाहिए, 125 या 50 पर यूनिट? पर यूनिट माइनस 200, माइनस 50, माइनस 5। कभी वह डेटा एग्जामिनर का लेते हैं, कभी अपना लेते हैं, आपको भी समझ नहीं आ रही। हम पर यूनिट लेते हैं, अगर उसका अवेलेबल है तो उसका ले लेंगे, अपना है तो वो ले लेंगे। क्या कर रहे, करके रहे हम? एक यूनिट का प्रॉफिट, व्हाट इज 600 सेल प्राइस, और उसमें से हम एक्सपेंसेस लेस कर रहे हैं, तो आइदर वर्किंग कंप्लीट कर रहे हैं। नहीं, मतलब थोड़ा सा लिख के एक्सप्लेन कर रहे हैं। 5 लाख यूनिट्स, मार्केट प्रॉफिट 500,000 यूनिट्स, मल्टीप्लाइड बाय 215, लेकिन ये 215 की तरफ वर्किंग लिखना, 600 माइनस, नहीं कंडीशन ब्रेकअप लिखना, जरा रिवाइज करना, जरा इजी हो जाएगा। माइनस 125, माइनस 200, माइनस 50 एंड माइनस 10, डेफिनेटली ये नहीं मैं कह रहा कि पूरा लिखेंगे तो गलत है, लेकिन शायद बार बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। So rather than that, we can save time if we can, if we are able to calculate the gross profit per unit. ये लिख लीजिए, तो confusion तो नहीं, the online students. चलिए starting point मिल गया जी, लिखिए first time पे वापस आए। Budgeted profit is 107.5 million. डेफिनेटली वेरियंसेस की वर्किंग होगी, लेकिन एक सेकंड के लिए अगर हम एक्चुअल प्रॉफिट की वर्किंग भी कर लें, किसने किस से रिकंसाइल होना है, तब एक्चुअल के एंगल से आएगा जी। एक्चुअल प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, व्हाट शुड बी द एक्चुअल प्रॉफिट? बिल्कुल ठीक है, एक्चुअल सेल, एक्चुअल एक्सपेंसेस, क्या ख्याल है? लास्ट टेबल जो है 149 पेज में, कैलकुलेटर पे कर लें, फिर लिख के कर लेते हैं। कैसे करना चाहिए? सेल नहीं, अब इसको पर यूनिट क्यों करें, मतलब सीधे नहीं करें, तो सीधी अमाउंट पे ही पहुंच जाता है। मतलब इस अगर ये अमाउंट गिवन है ना, तो इनको एक दफा माइनस कर देते हैं, रादर देन कि हम इसे पर यूनिट बनाएं और फिर वो करें, वहीं तो टाइम जाता है।
295 मिलियन यस सर, माइनस 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 कर लेंगे यस सर, लिख लो 103 समथिंग मिलियन आएगा, 103.9 मिलियन। एक्सप्लेन कर लो सेल्स करने है, 295 मिलियन माइनस 55 मिलियन वन 3.9 मिलियन। अब थाउजेंड में किया तो जा सकता है, रिस्क लेना चाहिए। नहीं मिलियन सो रहने दे, थाउजेंड्स में भी सोच समझ रहा हूँ, कहीं हमारा ये क्वेश्चन थाउजेंड्स की नजर ना हो जाए, रहने दे थाउजेंड्स पूरा ही लिखे। तो बजटेड प्रॉफिट है सर, फिर इसको रिकनसाइल करना है हमने, 107.5 मिलियन और 103.9 मिलियन को आपस में रिकनसाइल करना है। एनी कंफ्यूजन इन द वर्किंग? अब रीजंस क्या है जी, इस डिफरेंस की रीजन क्या होगी, वेरिएंसेस। अब डेफिनेटली इस पेज जो फर्स्ट पेज हमने छोड़ा, इसके स्टार्ट पे बजटेड प्रॉफिट आ गया, और जब वेरिएंसेस आ जाएंगे तो जो फिगर हमने कैलकुलेट किया इंशाल्लाह वो एंड में कैलकुलेट हो जाएगा। तो रादर देन उसको अभी लिखने की बजाय मैं सामने रख लें, वेरिएंसेस पे आ रहा। वर्किंग नंबर 3, तो एग्जामिनर ने रिकंसिलिएशन मांगी है, तो उस रिकंसिलिएशन को बनाने के लिए अब हमें जो जो करना पड़ रहा है, it should be the part of our workings. Variances, बेहतरीन variance, सारी variances के आपके सामने आ रही है, तो आपने प्लीज पूरी कोशिश करनी है फॉर्मूले वगैरह ज़हन में लाने की और लॉजिकली चलते रहे। रिक्वायरमेंट पढ़े, बताएं variances कौन कौन से कैलकुलेट करूं? बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट में फर्क किस किस वजह से होगा? प्रॉफिट प्रॉफिट क्या सेल्स डिफरेंट हो सकती है? आगे चले, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स, ये सारे वेरिएंसेस कैलकुलेट करने पड़ रहे हैं। इनमें से कोई एक भी अगर वेरिएंस है तो हमारा बजटेड और एक्चुअल प्रॉफिट डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन अब कौन कौन से वेरिएंसेस कैलकुलेट करूं, मीन्स उसे सेल के कौन से, मटेरियल के कौन से, लेबर के कौन से, तो वो आप काइंडली बातें याद रखिएगा। अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन ही कौन से है तो फिर फर्स्ट फर्स्ट ब्रेकअप सारे बिस्मिल्लाह पढ़ो। सेल वेरिएंसेस करने लगे ये हम करेंगे ही एक्चुअल प्रोडक्शन का, हमारे सारी बेस ठीक हो गई भी है, और ये सारे जो वेरिएंसेस बने ये फ्लेक्स्ड बजट से बने हुए हैं। अब हमें दोबारा फ्लेक्स बजट बना के अपने सामने रखने की जरूरत नहीं है, हमने उसी फ्लेक्स बजट के ही वर्ड्स यहाँ यूज किए हुए, तो मैं एक मिनट याद करवाता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, हम एज इट इज उसे ले ही नहीं रहे, हम उसे ऑटोमेटिकली पहले चेंज कर रहे हैं। कैसे शुरू करें? सेल वेरिएंसेस कोशिश करें जुबानी हो रहे, मीन्स से फॉर्मूले आप जुबानी देने में जी, सेल प्राइस वेरिएंस फॉर्मूला डिफाइन करें, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल सेल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड फिनिश गुड्स। ठीक है, बहुत सी चीजें शायद लिखना इस तरह कंपलसरी नहीं है, लेकिन याद रखना कंपलसरी है। रेडी है सर? व्हाट इज स्टैंडर्ड रेट ऑफ सेल? 600 पर यूनिट, वाई क्योंकि यूनिट सोल्ड पर यूनिट में। व्हाट इज एक्चुअल रेट पर यूनिट? मेरी सजेशन वही है, फिर पॉइंट्स में आंसर आ जाना,
हमने ऐसे ही परेशान हो जाना है, तो रादर देन दैट कि हम कैलकुलेटर पे एक्सप्लेन करके राउंड अप करके लिखें, काइंडली कैसे लिखें फिगर्स बोलेंगे, तो 295 मिलियन डिवाइड बाय 480,000, जो भी आएगा वो ठीक है, एक सेकंड के लिए मल्टीप्लाई बाय बता दें ब्रैकेट में, 480,000 यूनिट्स एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, यही है ना 480, बेचना क्या चाह रहे थे वो अलग बात है, बेच बिके क्या है, सेवन मिलियन फेवरेबल क्यों है, सर जी जाने दें, सर जाने दें, सर जाने दें, मत करें, दुनिया अंधाधुंध शुरू होगी लिखना, अब सेवन मिलियन के जीरोस देख रहे लोग, एक्चुअल रेट ज्यादा हो तो एडवर्स नहीं होता यार, बेचा है हमने, बेचा है हमारा बिजनेस है, ठीक है सर, फेवरेबल, ओके सर, ऑपोजिट फॉर्मूला डिफाइन करें, सेल वॉल्यूम वेरिएंस बाय टोटल क्वांटिटी सोल्ड माइनस एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय, ये जरा टफ है याद रखना, कोशिश करें सर, स्टैंडर्ड ग्रॉस पर यूनिट, बोले पूरा फॉर्मूला दोबारा, जी सर, बट इज बजटेड क्वांटिटी सोल्ड, वो तो प्रोडक्शन है, वही सेल क्यों है, क्योंकि स्टॉक लेवल मेंटेन हो रहे हैं, माइनस व्हाट इज एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय, ये वर्किंग हो चुकी है कहीं, ढूंढने 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 ढूंढने, ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट कैसे आया था, सेल प्राइस पर यूनिट माइनस कॉस्ट पर यूनिट 125 to 100 215, ओके वर्किंग वन देखें, फोर पॉइंट थ्री मिलियन वाइड वर्स, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड कम है, नेक्स्ट डिफाइन करें सर, मटेरियल कैलकुलेट करें, जी जी ठीक है, एक सेकंड में, 4.3 मिलियन तो हो गया ना सबका, एडवर्स फाइनल है, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड कम है, मटेरियल फर्स्ट ब्रेकअप डिफाइन करें, फॉर्मूला स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन गेम, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, मटेरियल बेचना नहीं है इस्तेमाल होना है, प्राइस वेरिएंस और ऑपोजिट नेम यूजेज वेरिएंस, क्वांटिटी यूजेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, अच्छा फिलहाल मैंने साथ आपने भी एक्चुअल प्रोडक्शन अभी बड़ा वर्ड लिख दें, एक दो दिन ठहर जाए फिर शायद लिखना छोड़ देंगे, लेकिन फिलहाल हमें हर जहन में रखने की जरूरत आई, तो अभी फॉर्मूला में जितने जितने वर्ड्स हैं ये सारे लिखें सही तरह, पहले याद कर लें, और बेटा मटेरियल का फर्स्ट ब्रेकअप यही है, मटेरियल वेरिएंसेस का फर्स्ट ब्रेकअप यही है, वो टोटल वेरिएंस है वो ब्रेकअप नहीं है, फर्स्ट ब्रेकअप बेटा यही है,
वो फर्स्ट वेरिएंस है, फर्स्ट वेरिएंस नहीं कैलकुलेट करने, फर्स्ट ब्रेकअप कैलकुलेट करने हैं जी सर। प्राइस वेरिएंस रेडी, व्हाट इज स्टैंडर्ड रेट पर 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 यूनिट ढूंढो या पर केजी, मेक अ डिसीजन। पर यूनिट भी अवेलेबल है, पर केजी भी अवेलेबल, 50 भी है, 200 भी है, वो मसला नहीं है। आप बताएं पर यूनिट यहां लिखूं या पर केजी। व्हाई ब्रैकेट से बाहर देखें, मल्टीप्लाई किससे होना, क्वांटिटी यूज केजीज में होनी है या यूनिट्स में होनी है। देखें डाटा, देखें मटेरियल ने इस्तेमाल केजीज में होना है, केजीज इस्तेमाल हुए हैं या फिनिश गुड्स इस्तेमाल हो गई हैं। सही डिसीजन है सर। केजीज क्या इस्तेमाल हुआ है किसके लिए, मटेरियल के केजीज इस्तेमाल होंगे फिनिश गुड्स बनाने के लिए, फिनिश गुड्स के यूनिट्स बनाने के लिए। तो फिनिश गुड्स इस्तेमाल हो गई है केजीज के लिए, केजीज इस्तेमाल हो गए फिनिश गुड्स के लिए। केजीज से मल्टीप्लाई होना, एक्चुअल क्वांटिटी यूज केजीज में है, तो क्या करूं, स्टैंडर्ड रेट किसका ढूंढूं, पूरे वर्ड्स बोले, स्टैंडर्ड रेट किसका, स्टैंडर्ड रेट ऑफ मटेरियल पर केजी 50 माइनस एक्चुअल रेट की वर्किंग करवाएं, 55 मिलियन डिवाइड बाय 950,000 मल्टीप्लाइड बाय 55 मिलियन पूरा लिखेगा। व्हाट इज 55 मिलियन, बोलते नहीं ना आप, इसका बात नहीं बननी। एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट कितने केजीज की, इस वर्किंग से क्या फाइंड आउट होगा, रेट पर केजी, रेट पर एक्चुअल रेट पर केजी और मल्टीप्लाइड बाय 480,000, कहानी मुका दे, मटेरियल के यूनिट भेज दिए। ख्वाहिशात अपनी जगह है, हकीकत की तरफ आए सर। मटेरियल इस्तेमाल हो गए कितना, 950,000 केजीज या यूनिट्स, क्या इस्तेमाल होना है मटेरियल का, केजीज इस्तेमाल होने यूनिट्स बनाने के लिए। 7.5 मिलियन, वाई एडवर्स यार, कभी कहते हैं एक्चुअल रेट फेवरेबल है, कभी कहते हैं एक्चुअल रेट ज्यादा है, कमाल है यार। ये कोई कमाल नहीं, सीधी सी बात है, जो अच्छा है वो फेवरेबल है, जो बुरा है वो एडवर्स। व्हाई एडवर्स, एक्चुअल परचेज रेट ज्यादा है। जी ठीक है जी, प्लीज जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यूजेज वेरिएंस की वर्किंग एक सेकंड करवाया था, इसमें मुझे लग रहा है अभी भी हम कंफर्टेबल नहीं है। सारी स्टोरी देखें, एक्चुअल प्रोडक्शन बताएं, एक्चुअल प्रोडक्शन जाने दें यार, एक्चुअल प्रोडक्शन 480 ही क्यों है, फिनिश गुड्स तो मेंटेन हो रही है, अगर एक्चुअली 480 बिके हैं तो क्या 480 ही बने होंगे, 5 लाख के ऊपर ढूंढे, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख क्या था, बजटेड प्रोडक्शन, हम क्या ढूंढ रहे हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन सर कितनी है, वो तो सेल है, क्यों सेम है, फाइनल करें सर जी, गेम बहुत ऑन है, क्या लिखूं, 480,000 रुके, अब क्या सोचना है, एक यूनिट का बनाने में कितने केजीज रिक्वायर्ड थे, हिम्मत हिम्मत जवानो हिम्मत, वन यूनिट शुड टेक हाउ मेनी केजीज, 2.5 जी बिल्कुल ठीक है, वेर इज 2.5 इन द क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट कितने यूनिट्स बनाए हैं, 480, एक यूनिट कितने का बनना चाहिए था, कितने केजीज में बनना चाहिए था, तो ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन आ जाएगी, एनी कंफ्यूजन, आगे बढ़े, व्हाट इज एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 950,000 यूनिट्स या केजीज,
मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर लीटर हो सकता है कब? अगर ये लीटर्स में डेटा होता है कि मटेरियल लीटर्स में को लगना है तो सारा लीटर में स्टोरी होती है। ये आंसर बता बताइए बड़ा की अगर यार हाथ बांध के बैठ गए तो टेस्ट मैच जो है देखते हैं अब क्या होता है। बारिश होती है कम ऑन पार्टिसिपेट करें सर तो ड्रॉ जाना जी सर आंसर वाई एडवर्स वाई फेवरेबल एक्चुअल क्वांटिटी कम लिखी है 480,000 2.5 करें जरा इज इक्वल टू द पॉइंट कितने केजीज का काम कितने केजीज में हो गया इतना बड़ा फेवरेबल वेरिएंस आ गया। डेफिनेटली मटेरियल की क्वालिटी क्वालिटी वगैरह वो इश्यूज इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे ये क्यों आ सकते हैं क्या हो सकता है। जिस क्वालिटी का मटेरियल आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट में ले लेंगे हम उससे अच्छी क्वालिटी का मे भी मिल गया हो इसलिए ऑपोजिट साइड पर देखें मिला शायद महंगा है मिला महंगा है एडवर्स वेरियंस प्राइस लेकिन लग रहा है कि अच्छा मिल गया लेकिन नेट ऑफ करके देखा जाए तो नेट करके लगता है कुछ बच गया है। वजह ये क्यों कहा मैंने यूजेज वेरियंस कितना फेवरेबल है 12.5 और प्राइस वेरियंस तो उतना महंगा नहीं मिला जितना अच्छा मिल गया। अब बेटा वो क्वांटिटी सोल्ड है ये क्या कर रहे हैं आप लोग 480,000 एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड नहीं है प्लीज हम किन चक्रों में पढ़ रहे हैं 480,000 क्या है वो क्वांटिटी सोल्ड है वो फिनिश गुड्स बेची जाती हैं और क्वांटिटी इस्तेमाल्ड कितनी है इस्तेमाल्ड सॉरी मेरे उर्दू को इंग्लिश बनाना पड़ रहा है समझाने के लिए प्लीज व्हाट इज द क्वांटिटी इस्तेमाल्ड प्लीज कुछ तो हिम्मत करें बेटा सोल्ड बेटा नहीं है जितनी क्वांटिटी इस्तेमाल हुई उतनी सोल्ड नहीं है जितनी क्वांटिटी बनी है वो सोल्ड है प्रोडक्शन सेल के बराबर है बेटा प्लीज रॉ मटेरियल सेल के बराबर नहीं है कंज्यूम्ड सेल नहीं है फिनिश गुड्स का स्टॉक फिनिश गुड्स का लेजर प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल ना करें ना करें ना करें बड़े होना हमने नहीं कोई अगर क्वेश्चन तो कल पूछना आगे चले आप लोग लेबर वेरिएंसेस कैलकुलेट कर अब अगर कोई क्वेश्चन रहेगा किसी का करनी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका तो नहीं प्लीज लेबर करें फिर आप लोग ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स में अगर कोई क्वेश्चन किसी का रहेगा तो करनी बता दो अगर कोई बात हमें एड्रेस यहां तक रहेगी तो प्लीज लेबर कंप्लीट करने की कुछ जरूरत नहीं बेटा ये आप अगर 480 सोल्ड है मैं भी यही कह रहा हूँ इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो बता दें 480,000 यूनिट सोल्ड है ये तो मतलब मैं भी कह रहा हूँ तो इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है बात में अगर ये बात क्लियर है तो मैं भी यही कह रहा हूँ तो अगर इसमें कंफ्यूजन है तो बता दो इसमें कोई कंफ्यूजन है तो वो डिस्कस कर लेते हैं बेटा प्लीज कैलकुलेटर पे आप लोग लेट क्लास ज्वाइन करते हैं इसमें मैं क्या क्या बताऊं आप लोग कंप्लीट करें लेबर लेबर आप वेरिएंसेस कैलकुलेट करें नहीं बेटा वही करें कोशिश खुद सोचें दो मिनट लगा आप लोग प्लीज बेटा लेट क्लास ज्वाइन करते हैं उसमें कैसे बार बार बताऊं 600 रुपया सेल प्राइस है पर यूनिट और बाकी आपने वर्किंग ही नहीं की हुई डायरेक्ट मटीरियल 125 रुपये बनता है डायरेक्ट पर यूनिट 200 रुपया पर यूनिट ये बनता है 550 ये बनता है 10 ये बनता है ये पर यूनिट बता बनता है आप लोग क्लास अगर लेट ज्वाइन करेंगे तो इससे मेरे लिए कैसे पॉसिबल है
जी लेबर वेरिएंसेस, रेट वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स, सर जी ये चीज फाइनल करें जरा, अगर इसी में कंफ्यूजन है तो फिर हम आगे क्या चल रहे हैं। ये लिखा मैंने एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग, क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट में रेट्स लिखे हुए हैं और बाहर एक्चुअल आवर्स वर्क लिख रहे हैं। अब क्या रेट कौन से होने चाहिए, ये सर छोड़ दे पहले यही फाइनल करें सर, अगर ये क्लियर नहीं है सबसे पहले वेरिएंस से शुरू करें। ये सेल वेरिएंस में, सेल वेरिएंस में प्राइस वेरिएंस की ब्रैकेट बनी हुई है, बाहर क्या है एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड। अब रेट्स जो है उन्होंने मल्टीप्लाई होना, तो रेट्स कौन से होने चाहिए, नहीं मतलब वो ठीक है पर यूनिट, सेल रेट पर यूनिट क्यों होना चाहिए, उसने सेल से मल्टीप्लाई होना, सेल ने यूनिट्स में सेल हुई है ना, बाहर यूनिट्स होंगे, सेल के यूनिट्स होंगे तो अंदर रेट कौन सा होना चाहिए, पर यूनिट। मटेरियल की ब्रैकेट में मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस की ब्रैकेट में बाहर क्या लिखा हुआ, एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मटेरियल की क्वांटिटी जो यूज्ड है वो किस में होनी है, वो केजीज में होनी है, लीटर्स में होनी है, किस में होनी है, सवाल देखो केजीज में, ढाई केजीज, ढाई किलो केजीज में है ये, तो क्या जो भी रेट होंगे उन्होंने अल्टीमेटली केजीज से मल्टीप्लाई होना, तब रेट कौन सा होना चाहिए फिर, पर केजी, स्टैंडर्ड रेट पर केजी, एक्चुअल रेट पर केजी, नीचे है लेबर में। अब इन रेट्स में मल्टीप्लाई किससे होना, आर से, तब रेट कौन सा होना चाहिए, पर आर। तो अगर आपने आर से मल्टीप्लाई करना है तो आर्ली रेट होना चाहिए, यूनिट से मल्टीप्लाई करना है तो पर यूनिट रेट होना चाहिए, केजी से मल्टीप्लाई करना है तो पर केजी होना चाहिए। तो काइंडली पहले इसको तो फाइनल करें, हम किधर निकल गए हैं और हम यहीं खड़े हैं, तो आप कैसे बोलूं जरा हेल्प मी, नहीं वो 100 तो आ जाएगा, मतलब बोलूं कैसे, क्या बोल के अपने आप को बताऊं, स्टैंडर्ड रेट पर लेबर का, व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आर, ढूंढने बात खत्म हो जाएगी, अगर बोल लेंगे तो काइंडली बात खत्म हो जाएगी। Why not 200? वो तो एक यूनिट का, यूनिट्स में तो वर्किंग नहीं कर रहे, हम मास में वर्किंग कर रहे। अब आगे क्या चाहिए, पूरा बोल क्या चाहिए, मैंने ये पूछा आएगा कैसे, मैंने पूछा एक्चुअल लेबर रेट पर आर, अब ढूंढे डाटा पर आर, लेबर नहीं है कैसे करें, लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर्स, अब केजी से डिवाइड क्यों नहीं कर रहा, हर केजी रेट निकालना ही नहीं है, यूनिट से डिवाइड क्यों नहीं कर रहा, यूनिट निकालने, अब आर से क्यों डिवाइड किया, एक्चुअल रेट पर आर आएगा तो स्टैंडर्ड से कंपेयर हो, और मल्टीप्लाई बाय क्या करूं, 9,90,000 आर एक्चुअल आवर्स वर्क्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, 6,000,000 एफिशिएंसी कंप्लीट करें, ठीक है मैं फिगर्स लिखता हूं, एफिशिएंसी एफिशिएंट हो जाए सर, अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज करें, ठीक ठाक एडवर्स वेरिएंस सर, एफिशिएंसी वेरिएंस करने फिर आपने दोनों करवाना है, एफिशिएंसी और वेरिएंस करवाना फिर आपने, इसका आंसर आ जाएगा लेबर वाला 6,000,000, वाई एडवर्स एक्चुअल रेट बड़ा ज्यादा, प्लीज बड़ा इस कर किया करें सारे, एक्चुअल रेट ज्यादा है कैसे पता चलेगा, प्लीज ये बातें जो फाइनल हो चुकी हैं इस पे आप टाइम ना वेस्ट करें, 105 डिवाइड बाय 990 जब आ जाए आंसर एक दफा देखा करें फिर बाकी वर्किंग किया करें, रेट ज्यादा है तो एडवर्स है अगर एक्सपेंसेस की बात हो रही है। एफिशिएंसी फाइनल करें कांटी सर, वाई एडवर्स, अब एक्चुअल के साथ कुछ और ज्यादा भी करें ना यार, एक्चुअल आर ज्यादा है, एक्चुअल रेट ज्यादा है, एक्चुअल आर ज्यादा है, थोड़ा डिफाइन करें क्या एक्चुअल ज्यादा है,
वहां आर्स की गेम है, यहाँ रेट्स की गेम, रेट्स आर्स एफिशिएंसी। जो तो इंशाल्लाह बहुत ज्यादा एंजॉय करना भी आपने, तो हमारी एंजॉयमेंट स्टार्ट ही नहीं हो पा रही। जी बताएंगे एक्चुअल प्रोडक्शन क्या, एक्चुअल प्रोडक्शन किस चीज की प्रोडक्शन, घंटों की, हमने घंटे बना लिए, हमने केजी बना लिए, हमने क्या बना लिए, प्रोडक्शन किस चीज की प्रोडक्शन, फिनिश गुड्स की, फिनिश गुड्स की प्रोडक्शन कितनी है, फिनिश गुड्स की प्रोडक्शन, वो तो सेल गया यार, वो प्रोडक्शन क्यों है, तो व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन, 1000 यूनिट्स हैं, फिलहाल ये यूनिट्स हैं, आगे क्या सोचो, वन यूनिट शुड टेक हाउ मेनी आवर्स, अब आवर्स में कन्वर्ट करना है इसे, स्टैंडर्ड आवर्स वर्क्ड बनाने, व्हाई नॉट 2.5, वो केजीज बन जाएंगे, अगर केजीज बनाने हैं तो 2.5 भी मल्टीप्लाई किया ढूंढने ऊपर, तो y2 where to, what is two, standard hours worked for one unit, तो कितने यूनिट्स बनाए, कितने 1000 आवर्स का काम था, ये सॉल्व करें जरा, 960,000 आवर्स का काम 990,000 आवर्स में हुआ है, और मल्टीप्लाइड बाय 100 स्टैंडर्ड रेट पर आर, क्यों आर्ली वर्किंग हो रही है, 3 मिलियन एडवर्स क्यों है, एक्चुअल आवर्स वर्क स्टैंडर्ड से ज्यादा है, डन सर, जल्दी से वेरिएबल ओवरहेड्स, बस एक मिनट उसके लिए, डर रहे डर रहे डर रहे, हाथ कांप रहे, पाइप करते हुए डर लगता, वरना कोई डर नहीं लगता, जैसे कि नहीं आ पाती फटाफट पंगा लेते हैं कि यार अभी हो जाएगा, देखी 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 और वो जाती, अब यहाँ 25 लिखते हुए डर लग रहा है, 25 लिखो 50 लिखो, हाँ जी 50 लिखिए, 25 क्योंकि 25 ही सही है, नहीं वाई 25, वंस अगेन आर से मल्टीप्लाई, तो आर्ली रेट चाहिए, ये कैसे, 990 तो लेबर आर्स नहीं है, एक्चुअल आर्स वर्क भी वही है, आंसर 1.25 मिलियन एडवर्स, Why? ये कैसे पता चल रहा है मुझे, वर्किंग करके पर्सन आ रहे हैं मेरे सामने, ये कैसे पता चल रहा है, एक्चुअल प्रोडक्शन 480 इनटू 2.5 ना, परेशान हो टू ही है, वैसे ही है, 2.5 में ले कैसे सकता हूँ, मैं 2.5 ले कैसे सकता हूँ, तो क्या चीज है, तो लिया आपने ठीक किया, मेरे जैसे आवाज़ अगर आए तो आपने इग्नोर करना, कहीं ऐसे एग्जाम में सवाल करते हुए कोई आवाज़ आ रही है 2.5,
परेशान नहीं होना, टू ही लेने, मेरा तो काम ही तंग करना जी। एक्चुअल आज वर्क इनटू रेट बताए, इसको जरा कंपेयर करें ऊपर लेबर एफिशिएंसी से, क्या फर्क है दोनों में? सेम है, सेम है सारा, वहां क्या कैलकुलेट हुआ? लेबर के एंगल से वेरिएंस और यहाँ वेरिएबल ओवरहेड्स के एंगल से, एवरीथिंग अदर इज सेम। आंसर वाई एडवर्स एक्चुअल 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 आज ज्यादा है, एक्चुअल आज ही ज्यादा है अभी जी, एक्चुअल आज ज्यादा डाने से अरे फिक्स्ड ओवरहेड्स की बहस कर। प्लीज वेरिएबल ओवरहेड्स का कोई कंफ्यूजन? ओके सर, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स, प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप ही हैं। क्वेश्चन इज साइलेंट, जस्ट फर्स्ट ब्रेकअप मींस एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम, करें हिम्मत। एक्सपेंडिचर वॉल्यूम है दिन में, लिखे फॉर्मूला बजटेड एंड एक्चुअल, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स एंड एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, इनके नीचे एक लाइन रखा करें एंड देयर इज नो साइंस के एक्चुअल ऊपर लिख ली है, बजटेड नीचे आ गई, देयर इज नो साइंस इन इट। कीजिएगा मेरे साथ, वो पहला ब्रेकअप कौन सा है यार, वो पहला फार्मूला है, वो फार्मूला इज अनदर नेम ऑफ ब्रेकअप, फार्मूला एफ से शुरू हो रहा है, ब्रेकअप बी से शुरू हो रहा है, कम से कम इतना फर्क तो रख ले यार, ब्रेकअप सब कुछ ठीक जा रहा है पढ़ाई के अलावा, ये बहुत टफ है। एक्चुअल बताएं जी कितने, गेम ऑन है सर, अगले 20 मिनट गेम अब फुल ऑन है। एक्चुअल खर्चा 5.1 मिलियन, बजटेड खर्चा ढूंढे, हाँ बिल्कुल ठीक है, पहले ये देखा करें गिवन हो सकता है समटाइम्स, बजटेड खर्चा ढूंढे, खर्चा ढूंढे है नहीं, है नहीं बजटेड खर्चा अवेलेबल नहीं है, कैसे कैलकुलेट होता है? बजटेड प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट लिख के फॉर्मूला, फिर फिगर्स ढूंढनी है, चाहे एक लाइन और निकालनी पड़ेगी सर। बजटेड प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट, अब पर यूनिट क्यों लेना शुरू कर दिया, पूरा पहले बहस कर रहा हूं आवर्स लेने, अभी यूनिट ले लिए, प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्शन यूनिट्स में या आवर्स में, केजीज में है? जी व्हाट इज वेटेड प्रोडक्शन, अवेलेबल नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय वाई टेन, वाई 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 टेन क्यों, पांच क्यों नहीं, यूनिट्स हैं तो पर यूनिट रेट, सो व्हाट इज फाइव मिलियन बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। अब यहां हमने यूनिट्स में वर्किंग तो की है, लेकिन यहां यूनिट्स की बेस पे डिसीजन नहीं है, यहाँ डिसीजन एक्सपेंडिचर की बेस पे, तो खर्चा कंपेयर करें, कितने मिलियन का खर्चा एक्सपेक्टेड था, कितना एक्चुअल हो गया, फेवरेबल क्यों नहीं है, फेवरेबल क्यों नहीं है, एक्चुअल एक्सपेंस ज्यादा हो गया, ठीक हो गया। वॉल्यूम तेजी से जरा करें वर्किंग, डोंट डिस्टर्ब अदर्स, अल्हम्दुलिल्लाह कहकर हो गया था।
अब इसमें बेटा डिसीजन यूनिट्स का, यूनिट्स की बेस पे होना है, इसलिए यहाँ ब्रैकेट बननी बननी है। तो बजटेड तो अभी आपने बना दी है, बजटेड प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। अप्लाइड कैसे आता है? एक्चुअल प्रोडक्शन था ही नहीं, जाने दें यार, वो सेल है यार का माल है, और 950 है यार एक्चुअल प्रोडक्शन, 950 है, 950,000 है, वो क्या है? वो मटेरियल का क्या है? वो मटेरियल की क्वांटिटी यूज्ड है फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। हम क्या ढूंढ रहे हैं? प्रोडक्शन मींस क्या है? फिनिश गुड्स के यूनिट्स। तो व्हाई द फिनिश गुड यूनिट्स आर इक्वल टू द सेल यूनिट्स, क्या लिखो? एक्चुअल प्रोडक्शन 4.8 मिलियन, 5 मिलियन, 200,000। आज तो लगता है वेरिएंस होते ही एडवर्स है, इसलिए ये भी एडवर्स ही होगा। वाई एडवर्स? एक्चुअल प्रोडक्शन ब्रैकेट के अंदर ढूंढे, कितने यूनिट्स बनाना चाह रहे थे, कितने बने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो बन गए हैं, लेकिन कम बने। ये भी नहीं कि वो जो बने उन पे इंसान ना शुक्री करे, शुक्र हो गया कुछ, लेकिन क्या आप सेटिस्फाइड है? क्यों नहीं है? बहरहाल ये ध्यान में रखेंगे, आपने यूनिट बनाने नहीं है, अगर हमने बनाने फिर तो हम जीरो पे सेटिस्फाइड होंगे, शुक्र नहीं हुआ। कितने यूनिट्स कम बने हैं? 2 लाख नहीं है, 20,000 है, 2 लाख रुपये है। जल्दी फर्स्ट पेज पे है, गेम खत्म है। नहीं, एक सेकंड इस्ता करें और रिकंसिलिएशन की हेडिंग देखें फर्स्ट पेज पे, और अपने वेरिएंसेस देखें, क्या ये इनफ है? देखें एक नजर, मतलब मैं तो कहते ना, मैं तो चाह रहा हूँ जान छूटे पड़ा और घर चला, लेकिन आप जरा रिलैक्स होकर देखें। नहीं, क्या अगर वॉल्यूम का ब्रेकअप करेंगे तो उसका आंसर 2 लाख ही आना। क्या रिकंसिलिएशन बनाने के लिए इनफ है? रिकंसिलिएशन बनाने के लिए टोटल भी इनफ ही थे, सिर्फ एक एक ही निकाल लेते, लेकिन एक एक की बजाय ब्रेकअप निकाल तो लिया है। और किस किस का आ गया ब्रेकअप? सेल का भी, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स। तो इन्हीं की वजह से बजटेड और एक्चुअल प्रॉफिट्स में डिफरेंस होना चाहिए। सोलन आए बिस्मिल्ला पढ़ रहे हैं। अब ये वेरियंसेज आपने स्पेसिफाई करने हैं, लिस्ट बनानी है। तो क्या ये लिस्ट सारी अब आप बोर्ड से देख के बनाएंगे? प्लीज वहां से कम अज कम देख के बना लीजिएगा, वरना शायद ना बन सके। इंशाल्लाह बिस्मिल्ला। जी सर जी, जिस तरतीब से कैलकुलेट हुआ मैं उनकी लिस्ट बना, अगर हिम्मत कर सके जरा 10 मिनट, अगर मैं वॉल्यूम वेरिएंस की सब डिवीजन पे बहस कर सकूं, रिक्वायर्ड तो नहीं है लेकिन टाइम बच रहा है, तो करनी हिम्मत माने। सेल वेरिएंस स्पीड अप हो, सेल प्राइस वेरिएंस, असूरन इस वक्त आवाज आनी चाहिए आपके पेजेस पलटने की, लेकिन जिस खामोशी से इस वक्त गेम चल रही है उसकी वजह वही है। एक एक ही बनती है सुनो, कोई क्लास में से कोई एक शख्स अपने कैलकुलेटेड वेरिएंसेस देख के लिख लेगा तो वो सबकी तरफ से हो जाएगा।
सर कर दी है सर, अल्लाह मालिक है, अब तो हो गई है, पहले बताना था कि नहीं करनी, तेरी मेहरबानी कर ले। पेपर में तुमने पिछले एक ही सवाल कराती मैडम, और सर जी आप इतना बता दीजिएगा एग्जामिनर ढूंढ लेगा, अपना पीछा पेपर देने मिला है, पेपर में जो किया होता है एग्जामिनर ढूंढ ही लेता है, वो दो महीने इसी चक्कर में लगाता है इसने कुछ किया होगा वो ढूंढता है, इसके बाद अपना आई टेस्ट भी आई टेस्ट करवाता है कि किसने कुछ किया होगा डॉक्टर साहब, इसमें मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा। जब वो नाकाम हो जाता है सोचे, ठंडे दिल से सोचे, लिखते हुए सोचे, जो हमने किया होता है नंबर उतने खतरनाक नहीं आते, ठंडे दिल से सोचे, ठंडे दिल से, ठीक है आपका बेस्ट पेपर हुआ होता है मेरे सामने, ठंडे दिल से सोचे, एग्जाम हॉल जरा ज़हन में लाए, वहां नजर आना बंद हुआ होता है तो ना करें, एग्जामिनर ठीक है अपनी जगह, नंबर सोचे आपके बनता, अक्सर बन नहीं रहा होता, वो ढूंढ लेता है, तो इंशाल्लाह वो ढूंढ लेगा, आप अपनी कोशिश करें। और करिए सर कैलकुलेटर रिकंसाइल करें, अगर इस तरह नहीं हो तो उस तरह कर लेते हैं, वो किस तरह रिकंसाइल करते हैं, सस्पेंस आ गए। सर जी आपने असल में रट्टा लगा लिए और गेम बदल गई, पहले तो वो हुआ था अब क्या हो रहा है, तो कोई नहीं इकट्ठे हो जाए सोच लेते, अब सर सही आएगा शायद, ऊपर जो लिखा है बजटेड प्रॉफिट उसका मीनिंग बता, प्लैंड क्या प्रॉफिट, अब फेवरेबल मींस क्या होगा, फेवरेबल आपको कब लगा, एक वेरिएंस आपका फेवरेबल कब लगा होगा, जब हमें अच्छा लगा होगा, तो हमें अच्छा कब लगा होगा, जब या तो प्रॉफिट बढ़ रहा होगा या खर्चे कम हो रहे होंगे, और इन अदर केस खर्चे कम होके भी प्रॉफिट बढ़ रहा होगा, तो एक मिनट इकट्ठे हो जाए जरा बात कर लेते हैं। सिचुएशन इज डिफरेंट सर, क्वेश्चन नंबर 4 की रिकंसिलिएशन होने जो शायद कल ही बनाई है, अपने डिसीजन पीछे रहेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट्स का मसला है, स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 का स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, अंग्रेजी में बोला इसका कोई फायदा नहीं, ट्रांसलेट करें क्या लिखा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, खर्चा सोचा क्या गया, अब जब फेवरेबल बोला नहीं, नीचे फेवरेबल वेरिएंस उसका मीनिंग क्या है, खर्चा सोचा ये गया था अब फेवरेबल हुआ है, इसका मतलब फेवरेबल मींस खर्चा एक्सपेक्टेशन से कम हुआ होगा, और एडवर्स मींस तो क्या किया आपने, ज्यादा ऐड कर लिया कम लेस कर लिया, अब सबको छोड़ दो बोर्ड पर देखें, अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, प्रॉफिट ये सोचा गया, खर्चा नहीं अब ये प्रॉफिट है,
आई डिफरेंट रिकंसिलिएशन है, वो एक्सपेंडिचर्स की रिकंसिलिएशन है, ये प्रॉफिट की रिकंसिलिएशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस बजटेड प्रॉफिट? हमारा ख्याल था, बल्कि ख्याल नहीं, हमारा प्लान था कि 107.5 मिलियन कमाएंगे, ये सही कमाएंगे प्रॉफिट। अब फेवरेबल्स जो हम कह रहे हैं, फेवरेबल्स का मीनिंग क्या होगा? हमें अच्छा लगा होगा, हमें अच्छा कब लगा होगा? जब प्रॉफिट बड़ा होगा, ज्यादा हुआ। तो गिवन प्रॉफिट क्या है? 107.5, ये सोचा था। पहला वेरिएंस फेवरेबल है, क्या इस 7 मिलियन से हमारा प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट बड़ा होगा? तो माइनस हो जाएगा ना। एडवर्स क्यों किया होगा आपने? आपको बुरा लगा होगा, आपको बुरा कब लगा होगा? जब प्रॉफिट कम होगा। तो व्हाई द डिफरेंस, व्हाई द डिफरेंस इन थिंकिंग? क्या डिफरेंस है? सही फाइनल करें, why? एक्सपेंडिचर अगर लिखा आपने तो अभी भी रट्टा नहीं लगाया। एक्सपेंडिचर मीन्स हमने एक्सपेंस सोचा क्या, फिर फेवरेबल अगर था तो एक्सपेंस कम हुआ, लेस हो गया। एडवर्स अगर है तो एक्सपेंस बढ़ रहा, एक्सपेंस में प्लस हो गया। अब क्या सोच रहे हैं? प्रॉफिट ये है, ये कमाना था, फेवरेबल हो गए। क्यों फेवरेबल हो? क्या मतलब फेवरेबल हो? एक्चुअल प्रॉफिट बढ़ा होगा, बढ़ा होगा, हमारी एक्सपेक्टेशन से बढ़ गया है। प्लस करें माइनस करें? एडवर्स मींस एक्सपेक्टेशन से कम हो गया। तो क्यों ये डिफरेंस आ रहा है? उधर वो प्लस हो रहा था, उधर ये माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है? स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट, खर्चों में और तरह से सोचना पड़ेगा और प्रॉफिट में शायद। लेकिन वंस अगेन मेक द थिंग सिंपल, कोई रट्टे वाली प्लीज बात नहीं है। क्यों अच्छा लग रहा है आपको? प्रॉफिट बढ़ा है, क्लियर है बात? करके देखें पूरा सॉल्व करें ना यार, अब एक एक करके तो आंसर नहीं ना मुझे बताना, फाइनल सॉल्व करें। तो क्या ऐड हो रहा है, कौन सी फिगर्स ऐड हो रही है? फेवरेबल ऐड हो रही है, एडवर्स लेस होनी। ब्रैकेट अगर आपने लगानी है तो कहाँ लगाएंगे? जीरो तो नहीं किसी ब्रैकेट की वजह से, लेकिन अगर ब्रैकेट लगाएंगे इस केस में तो एडवर्सेस को ब्रैकेट लगाएंगे। और बच्चे तैयार हो चुके हैं, अल्लाह करे जहाज लैंड सही हो जाए। नहीं यार, डेबिट क्रेडिट शायद बात बने ना, लेकिन वैसे यहाँ की एंट्रीज भी आनी है। फिलहाल क्लियर है? 103.9 मिलियन, ठीक है जी। एनी कंफ्यूजन फाइनली? मैं चाहता रहा था टाइम, लेकिन अब शॉर्ट है। जो वॉल्यूम वेरिएंस है, डिस्कशन होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेकिन वॉल्यूम वेरिएंस ढूंढने जरा कहाँ, इसकी सब डिवीजन आपने करनी है और ये होमवर्क है। सब डिवीजन जस्ट फॉर अ सेक ऑफ द क्लैरिटी, फॉर अ पर्पस ऑफ रिवीजन। ये फेवरेबल बड़ा ऐड हो रहे हैं क्योंकि प्रॉफिट की बहस हो रही है और एडवर्स लेस हो रहे हैं। ये क्लियर है प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स की रिकंसिलेशन ओके सर? जस्ट अ मिनट, लेट मी फिनिश जो मैं कहना चाह रहा हूँ। पेज नंबर 86 निकाल रहा, ये जो मैंने होमवर्क दिए है, एक मिनट सर, एक मिनट, नहीं आ रहा, आ जाएगा, मैं जीरो करिए। इस तरह रीचेक ना किया करें, ये आपको जीब आदत पड़ी हुई, कैलकुलेटर भी रीचेक करते हैं, जितनी देर में रीचेक होना होता है उतनी देर में दोबारा हो जाता है। तो रीचेक में कहाँ गलती है, ये ज्यादा डिफिकल्ट आइडेंटिफाई करना। उसको बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह करके जीरो करें और दोबारा शुरू करें, इतना टाइम नहीं लग, ज्यादा लग जाता। पेज नंबर 86 के दरमियान में ये जो मैंने होमवर्क दिए, ये वहां सॉल्व हुआ है, फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस दरमियान में थोड़ा सा नीचे मिलेगा आपको, तो काइंडली सॉल्व कर लीजिएगा, कंपेयर कर लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं रहना चाहिए। देन सर सेकेंडली, कल जरा मैंने जरा ऑफ करना, मुझे पता है आप सारा दिन कल पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन घर पढ़िएगा तो इंशाल्लाह आर वन में भी। और अगर आप इतने खुश हुए तो मुझे लग रहा है कि मुझे अपना डिसीजन और भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन आपने मेरी बात पूरी नहीं सुनी है, मैंने कहा कल मैंने ऑफ करना, अभी संडे की बात नहीं हुई है सर, मुझे चांस देंगे तो पूरी हो जाएगी, वरना ऐसे करेंगे तो बाद ही ना रह जाए, कहीं ऐद ही ना रह जाए बात। घर के लिए काइंडली, घर के लिए प्लीज, हमें जैसे ही हम दोबारा मंडे को मिलेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग की जरूरत पड़नी है, तो काइंडली इन दो दिनों को हम वेस्ट नहीं कर सकते, हम इन दिनों को यूटिलाइज करके एक दो काम करेंगे। साथ रहा बुक खोनी जरूरत, सॉरी साथ कह दिया, प्रोसेस कॉस्टिंग के सर आपको यकीन आ रहा है सर, ये हकीकत है सर, थोड़ा काट के देखें, यार सच है अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब
ख्वाब नहीं, इंशाल्लाह ये जो आपके आपको ख्वाब लग रहा है, जैसे ही मैंने मंडे को वापस आना है फिर इंशाल्लाह आपको सब कुछ पता चल जाना है कि इसके बाद क्या होना है। तो फिलहाल आपने ट्रेंड ये करना है कि प्रोसेस कॉस्टिंग की हमें वेरियंस में अब दोबारा जरूरत पड़नी है, तो देयर फॉर आपने काइंडली पेज नंबर 63, प्लीज पेज नंबर 63 और 4 पे ये प्रोसेस कॉस्टिंग के तीन चार सवाल जो किए हुए यहाँ, इनको बेटा रिवाइज करना है कुछ, कल परसों का दिन निकाल के, ये दिन वेस्ट नहीं हो सकते हैं, दोबारा रिवाइज करना कंपलसरी है। ठीक है सर, तो मेरी तरफ से सिर्फ होमवर्क क्या है दो दिनों के लिए, काइंडली छोटा सा होमवर्क ये है, और प्लीज पेज नंबर 63 एंड 64। अल्लाह हाफिज़।